Partners. अरे क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है कोई उपग्रह पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। Don't disturb me, यार मैं केस के बारे में सोच रहा हूँ। Let me focus। तू वहाँ जाके सोचना अपनी टेबल पे। मेरे यहाँ सर पे क्यों मंडरा रहा है तू? वहाँ जा। अरे? अरे ललिता तू टेंशन ना ले। अरे वो पकड़ा जाएगा। अरे मैंने पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे लगा दिया है। 72 घंटे दिए थे, उसमें से 45 घंटे बचे हुए हैं हमारे पास। पकड़ लेंगे, जरूर पकड़ेंगे। अरे अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आधी सर पर तो भरोसा रख। बाय बॉस। किसका फोन था? सर मेरी बीवी का फोन था सर। ओहो, इतने प्यार और इज्जत से तो तुमने कभी हमसे बात नहीं की। क्या करूं सर, जब से उसकी चोटी कटी है ना, तब से एकदम गुस्सा है, एकदम भड़की हुई है सर। मेरा घर पे खाना पीना भी बंद कर दिया है सर। अगर आपकी परमिशन हो तो थोड़ी देर घर पे जाके उसको मिलके आऊं। मना किया हूं है? आ जाओ जाओ जाओ। बीबी ऐसी आग होती ना, जितना तुम दूर रहोगे उतना ज्यादा जलोगे। जाओ मिल के आओ। ठीक है सर। ए बॉस। यस सर। बहुत डरते हो ना अपनी बीवी से? सर बहुत डरता हूँ सर। सर अब मेरी एक बात मानिए, अब कुछ भी करना मगर शादी मत करना। वो कुछ भी मैं करता रहता हूँ, शादी नहीं करूंगा। चलो यार ठीक है, जाओ जाओ। ओके सर। तेज लगा रही यार। ए भाई, ए कौन है तू? हम DIG। जय सर। ये तो बहुत गलत बात कर दी। क्या सर? अरे सैल्यूट एकदम कड़क होना चाहिए, छाती बाहर पेट अंदर। जय हिंद सर। ऐसे। सॉरी सर, हमने आपको पहचाना नहीं। ये तो बहुत गलत बात है गई। अब इसमें क्या गलत बात हो गई? इस्मेल ने आपको ईमेल करके बताया था, फिर भी चुक गए भैया है? कैसे? सॉरी सर, पहचाना नहीं। आइए ना बस सर, बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए बैठिए सर, बैठिए बैठिए बैठिए। सर कमिश्नर साहब भी यहीं पर है, उनसे मिले? अरे मिल लेंगे, नेक आए हैं, चैन लेन दो, सांस लेन दो, आप आगे जा रहे हैं कमिश्नर साहब। ये बात भी ठीक है सर, सही बात है। आप कुछ लेंगे सर? आप ही वादो। एक काम करो, चाय बनवा दो, मस्त चकाचक फर्स्ट क्लास, पानी कम दूध ज्यादा, नेक अगर डलवा दी। जी सर, जी सर, बोस एक चाय का इंतजाम करो। सर मुझे वो जरा चाय लेके आओ मलाई मार के। ये तो बहुत ही गलत बात है गई। सर इसमें क्या गलत बात हो गई सर? मलाई मरवाने की क्या जरूरत होती है? हमारे काजल ले आते, हम खा जाते। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है सर आपका, मार के खा। सर अगर आप DIG नहीं होते ना सर, तो मैं आपको 6 साल की फांसी देता। ये मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है सर। 6 साल की फांसी क्या होती है? फांसी तो एक बार ना, 6 साल क्या बताओ। वैसे सर आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पूछो मत ही ना, अब तो खैर आदत सी है गई है। पहले वेटिंग, फिर RAC, ट्रेन मुंबई पहुंची, पैसेंजर सारे उतरे, बाकी बात टिकट कंफर्म हुई है, बताओ। सर आप इतने बड़े DIG हैं सर, आप प्लेन से नहीं आए, ट्रेन से आए आप? अच्छा, AC फर्स्ट क्लास? S9 स्लीपर क्लास, दरवाजे के बिल्कुल साइड वाली। 3 बाबा और उका के होकर है, वो जो ट्रेन में वो बेचो करे ना, कीचेन, पेपर सोप, उनके साथ बैठ करके नहीं आ रहा हूँ। हमने कहा कि अपनी सीट तो भेज दी कोई और को। संडास के पास में अखबार बिछा के नहीं, मस्त लंब लेट होते हुए ठंडी हवा खाते हुए आए भैया। कमाई भी है गई बताओ है? ये कौन है? DIG सर है, DIG सर। जैन सर। जैन जैन। आप सर आपका नाम? दीपक कुमार इमरतीलाल गोपला, शॉर्ट DIG, कॉन्स्टेबल DIG। उठ बे। कॉन्स्टेबल DIG रिपोर्टिंग सर। तुम कॉन्स्टेबल हो? हाँ, वो बाबूजी की अनायास मृत्यु हो जाने के बाद में हमारी तो फ्री फंड में नौकरी लग गई, अभी अभी आ रहे हैं। मतलब तुम्हारा सिर्फ नाम DIG है? वाह, यहाँ पर सब सिर्फ नाम के ही हैं। ये नाम का DIG, ये नाम का बॉस, इसमें बॉस कहलाने लायक कोई क्वालिटी नहीं है। और ये आदित्य देव, पता नहीं किस लोक के देव है।
सिर्फ एक ही आदमी का नाम सही है यहाँ पर, मानव ए देसाई। ये तो बहुत ही गलत बात है गई। क्यों, मेरे नाम में क्या गलत बात है गई? नहीं, मानव ए देसाई मतलब एम ए डी, तो मैड हो गए हो ना? अब तेरी टॉप टॉप है। अबे रुक, इधर आ ये। हाँ, भाग रहा है। हाँ, बस काम कोई मत करो। जंगल में एक आदमी चाय पिए, एक आदमी चीते के पीछे भागे, गोरिला बने, काम कोई मत करो यहाँ पर। सर आप पी लीजिए, मैं घर जाता हूँ सर, बीवी के पास। ठीक है सर, जाता हूँ सर। अरे बावड़ी, टोपी पहनने का बाद भी साला मेरा बाल इतना घना घना लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। अगर नंदू काट देगा तो क्या होगा? चाय, गरम गरम चाय। तुम नया चाय वाला है? हम डीआईजी। डीआईजी कब आया सर? 28-29 साल है गए सर। इधर गए सर। आइए सर, वो रख दीजिए सर। हाँ? सर आइए, बैठिए सर, बैठिए। हाँ बैठे सर, इधर बैठिए सर। क्या बात है कि कुलिंग मिलिंग ठीक है, जरा बढ़ा दूँ? क्या बात है सर, हमारे जयपुर वाले मनोज जिया जी के बाद में हमें कोई पहलो आदमी मिलो है जो इतनो नेक है। आप भी सर, लेकिन आप हमको सर मत बोलिए सर। नहीं नहीं सर, नहीं, देखिए बात ऐसी है, सर तो हम कहेंगे सर, सर तो हम बिल्कुल कहेंगे, हम आपकी तहे दिल से इज्जत करें सर, चाहे आप हमारे हाथ जोड़िए या हमारे गोड़ पकड़िए। क्या पकड़े? गोड़, गोड़ मतलब पैर, पैर पकड़े। नहीं तो बताओ, ऐसा कोई कमिश्नर होगा जो अपने कांस्टेबल को अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए बोल दे? कांस्टेबल? अभी तो बोले डीआईजी है। हाँ तो हमारा नाम डीआईजी है, दीपक कुमार इमरतीलाल गोपला, इन शॉर्ट डीआईजी। हवाले भरतपुर से पोस्टिंग हुई है सर। व्हाट? काहेगो? व्हाट? काहेगो सर? सर काहेगो? हवाले भर भरा के इज्जत दे दी और हवाले लूट ली, ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हारा हिम्मत कैसा हो इधर बैठने का? हाँ तो फिर का है गो सर, कुर्सी पर ही तो बैठे हैं, कौन से जलते हुए तंदूर पर पसर गए? एए, पहला पूरा नाम क्यों नहीं बताया? ये तो बहुत गलत बात है। क्या गलत बात? चाय सर, चाय पी ना आप। कौन बोला तुमको चाय लाने के लिए? बॉस सर। बॉस इधर क्या? इधर आओ। ये थाना है या पागल खाना है? सॉरी सॉरी क्या बोलता है? ईमेल सीधा बटन फोड़ नहीं सकता है। डीआईजी आने वाला है, ये डीआईजी है, इसका नाम डीआईजी है, इसको चाय लेकर क्यों भेजा? सर कब से डीआईजी बोल के उड़ रहा था, तो मैंने भी बॉस बन के इसको लैंड करवा दिया धरती पर। ये तो बहुत गलत बात है गई सर। देखिए अब या तो इज्जत दीजिए ना या फिर लीजिए ना। वही कौन रहा है जो तुमको इज्जत दिया वो वापस ले रहा है? बोल। जा बाहर जाओ, आदि को रिपोर्ट करो, चलो। ये तो बहुत गलत बात है गई सर। अभी क्या गलत बात हो गया है? भरतपुर से थके हारे आए सर, ने चाय पानी करन दो, ऐसी फैसी की हवा खान दो, शहर वहर घुमन दो, काम काज को खाए है तो रहेगा सर, कर लेंगे। क्या बात करता है, तुमको हमने इनवाइट किया है, भरतपुर से चल के आया है, थक गया है, आराम आराम को रहेगा, क्या बात करता है पागल? तुमको क्या सिचुएशन आए? एक तो छोटी कटर का हम लोग परेशान है, 40 घंटा बचा है, उसको पकड़ना है छोटी कटर को, और नंदू बाहर खड़ा है उस तरह लेकर, और तुम किस तरह बात करता है, कौन है तुम? एक एक करके सबके बाल काट के मैं कमिश्नर के सर तक पहुंचूंगा। खट 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 दे दे ऊपर वाले के नाम पे दे दे। खट 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 खट। मैम आपका फोन बज रहा है। मेरा सॉरी। हाँ एक्सक्यूज मी। हेलो नीना जी। क्यों कॉल किया है? अरे नीना जी गूगल सर ने कहा कॉल करने के लिए। अच्छा, उन्होंने खुद ने कॉल क्यों नहीं किया? उनके हाथों में मेहंदी लगी है या हाथ भारी हो गए उनके? नीना जी आपसे सिर्फ कहना था कि आप थोड़ा केयरफुल रहे। क्यों? अरे देवा क्या तुम आ रहे हो यहाँ पर मुफ्त का सैंडविच और बर्गर खाने? अरे नहीं नीना जी, शहर में एक चोटी कटर घूम रहा है जो पुलिस वालों की गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स की चोटियां काट रहा है, इसके लिए सर ने कहा कि मैं आपसे कह दूं कि आप थोड़ा केयरफुल रहें। तुम्हारे गोगल सर से कहना कि जिंदगी में कोई भी जानवर पाल ले, लेकिन गलत फहमी बिल्कुल ना पाले। मैं उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं हूँ जो मुझे केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, और तुम बिना काम के भारी आदमी मुझे फोन करके टाइम पास मत करना।
समझे, रखो फोन। अजीब है, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे बाबा। प्लीज जाइए, प्लीज ये तो धुआं मत कीजिए, कस्टमर बैठे, जाइए। अरे बेटा, ये धुआं बहुत अच्छा शगुन होता है, इससे सारी बीमारियां दूर भाग जाती है। बाबा का आशीर्वाद समझ कर रख लो बच्चा, रख लो। अरे क्या बच्चा बच्चा किए जा रहे हैं आप, खुद बच्चे जैसे हैं आप। प्लीज जाइए बाबा, मत कीजिए ना धुआं। अब खिलेगा मैडम का चेहरा, नहीं रहेगा जुल्फों का पहरा। खाओ रोटी गरम तंदूरी, धुआं धुआं हुई शाम सिंदूरी। अरे अरे बाबा स्टॉप इट, बाबा स्टॉप इट। अरे बाबा क्या कर रहे हो, देखो कष्ट। बाबा भी मेरी मेरी जी, ये तुम्हारे तुम्हारे बाल कैसे, मेरी तुम्हारे तुम्हारे बाल। मैडम चाटर, ये क्या है चाटर, क्या ये, कहीं इस मेरी के साथ तुम्हारा लफड़ा तो नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ये। क्या बात करता है, अरे कोई और पुलिस वाला उसका बॉयफ्रेंड होगा। अरे नीना जी, आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, हो सकता है वो आपके बाल काटने आया हो और धुएं की वजह से गलती से मैरी के बाल काट दिए हो। सुना सुना तुमने चाटर, ये क्या हो रहा है, तुम्हारे राज में तुम्हारी प्रजाई सेफ नहीं है तो तुम्हारी ये ना हो सके गर्लफ्रेंड कैसे सेफ हो सकती है चाटर। ये तो गलत बात है गई। अब क्या गलत हो गया, नहीं मतलब मेरी जी के ऊपर पीलो रिबन ज्यादा अच्छा लगता, नहीं मैचिंग 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 मैचिंग। चुप, हम DIG। आई एम सो सॉरी DIG साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं क्या कहूँ, सच कहूँ तो मुझे इनके बारे में कंप्लेन करनी है। कुछ नहीं होगा इनसे, चैटर को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, तब भी इनसे कुछ नहीं होता था, तो अब क्या होगा। दिन दहाड़े एक फकीर आता है, धुआं करता है और अबला नारी के बाल काट के चला जाता है। DIG साहब, अन्याय। आप चिंता मत ही ना करो, आप हमारी आंटी जैसी हो। देखिए माना DIG साहब, आप थोड़े से जवान टाइप के हैं, लेकिन मैं आपकी आंटी टाइप की तो नहीं लगती। हमारा मोड़ा मत खुलवाओ, नहीं मतलब हम ये कह रहे थे कि हम है ना DIG, हम सब सही कर देंगे। थैंक यू सो मच DIG साहब, इस डिपार्टमेंट में बस आप ही हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, आप ही से उम्मीद है, वरना बाकी सब तो। ये कोई DIG नहीं है, ए तेरा नाम बता पूरा। दीपक कुमार इमरती लाल गोपला, इन शॉर्ट कॉन्स्टेबल DIG। चैटर, तुम्हारे कॉन्स्टेबल्स मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं। देखो तुम चिंता मत करो, उस कटर का शटर मैं जल्दी डाउन करूंगा। ए तुम डाउन हो जा रहे, ऊपर बैठ गया, ऐसा भी लोटा लेके बैठेगा। ना ना ना, आ रहे आ रहे। चलो अभी बताओ क्या हुआ। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, सबसे पहले इस पुलिस स्टेशन के सबसे काबिल ऑफिसर को बुलाओ, तब बताऊंगी। अरे नीना जी, आप भी कमाल कर रही है, सबसे काबिल अफसर आपके सामने खड़ा है, फिर भी आप कह रही हैं बुलाओ, क्यों बुलाओ। अगुवा जी शून्य, मैंने काबिल ऑफिसर बोला था, मानव ए देसाई नहीं बोला था। देखो अभी आदि आता होगा, तब तक तुम हमको बताओ हुआ क्या है। ए इस तरह उस तरह मत दिखा मेरे को। ए चटर, तूने उसको बोला है कि क्या है, कि किस तरह के नए नए लोग पुलिस स्टेशन में भर्ती किए हैं। नया नहीं, पुलिस में भर्ती नहीं, नया नहीं है। हाँ वो काशीनाथ का फांसीनाथ है। वो तो नेताजी ने हमसे कहा है कि अगर हमने उस चोटी कटर को 72 घंटों में नहीं पकड़ा, जिसमें से अभी सिर्फ 40 घंटे बचे हुए हैं, तो ये नाई सर के सर को कमर तक गंजा कर देगा। अगर मैं गंजा हुआ ना तो पूरा ग्रुप का सर मुंडवाऊंगा भाई।
Very good, Chatter. I'm proud of you. नहीं भाई, नहीं भाई. हाँ बेना. कमिश्नर साहब का सर मुंडवाने के बाद ना उनके मूछे भी साफ कर देना. मुझे उनकी मूछे पसंद नहीं है और वैसे उनका घमंड भी उतर जाएगा. नहीं कर तो आदि आदि अच्छा हुआ तुम आ गए. ये जो बाल मुझे पता है नीना जी आपके साथ क्या हुआ. मुझे पता है कि किसी ने मेरी के बाल काट दिए. लेकिन नीना जी क्योंकि मैं उस समय हादसे के दौरान वहां नहीं था इसलिए कोई ऐसी बात जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे जाननी जरूरी है हादसे से पहले हुई भी या बाद में हुई भी कोई भी ऐसी चीज आप प्लीज मुझे बताइए. ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था. वो चमकू आई थी रेस्टोरेंट में. चमकू? चमकू क्यों 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 क्यों? पता नहीं कुछ अचार लेकर आई थी और मुझे बता रही थी बार बार कि ये अचार ना मेरे कस्टमर्स को मैं दे दूं. अब मेरे रेस्टोरेंट में अचार टाइप की कोई रेसिपी बनती ही नहीं है. मैं किसके साथ अचार सर्व करती इंसिस्ट कर रही थी. बर्गर के साथ अचार कौन खाता है? ये चमकू का अचार विचार कुछ ठीक नहीं लग रहा. एक मिनट इधर दिखाई जरा नंदू. ये जरा देख के बताओ ये काम किसी प्रोफेशनल आई का लग रहा है क्या? नहीं ये हमारे फील्ड का किसी मानव सर टाइप का आदमी ने इसको काटा है. ए, मानव सर टाइप मतलब क्या क्या? ठीक बोल रहा है ये. अब तो ये भी समझ गया कि तू किसी काम लायक नहीं है और ये काम किसी प्रोफेशनल नाई का नहीं है तो फिर ये हरकत कर कौन सकता है? नीना जी कोई भी ऐसी और बात कोई हरकत जो आपको ध्यान आ रही है कोई ऐसी कुछ अटपटा लगा हो आपको हाँ कोई खटकी हो चीज कुछ ऐसा? हाँ उसने ना घटिया शायरी कविता टाइप कुछ बोला. क्या बोला नीना जी? क्या बोला? बस सोचिए क्या बोला. अब खिलेगा मैडम का चेहरा. हाँ जी. नहीं रहेगा जुल्फों का पहरा. अरे ये तो सेम है यार. हर बार जब बाल काटता है सर तो सेम कविता सुना के जाता है. ये सुन के क्या फायदा? नहीं 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 ये नहीं इसके आगे एंड में इसके बाद क्या कहा उसने? चेहरा हाँ जुल्फों का पहरा उसके बाद. अरे तो एंड में कौन सा कबीर का दोहा बोल के गया होगा? वही बोला होगा जो हमेशा बोलता है. सेम बोलता है सर वो हमेशा. अरे वो एंड में कुछ अलग बोलता है हर बार. जो एंड में बोलता है वही हमारा क्लू होता है. हाँ नीना जी एंड में क्या बोला? एंड में जुल्फों का पहरा. जुल्फों का पहरा इसके बाद हाँ हटा. नहीं यार सॉरी. लेकिन पता करने का एक तरीका है. नीना जी के कैफे में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और वो जो पेमेंट काउंटर पे जो कैमरा लगा है वो तो साउंड भी रिकॉर्ड करता है. हम जाके सुन सकते हैं. अच्छा हमारे यहाँ के सीसीटीवी कैमरे के बारे में तुम्हें इतना डिटेल में कैसे पता मानव? पूछ सकती हूँ? नीना जी मानव ए देसाई काफी काबिल अफसर है जिसे आप काबिल मानती नहीं है. मुझे तो बहुत कुछ पता है. मुझे तो ये भी पता है कि आपके कैफे में जो टिप देकर जाते हैं ना वेटरों को वो भी आप अपने पर्स में डाल लेती हैं. पता है मुझे. मुझे तो ये भी पता है कि जरा जरा सी कॉफी जो कस्टमर छोड़ के जाते हैं वो भी उठा के आप पी लेती हैं. और भी पता है मुझे. और चैटर तुम्हारा ये ऑफिसर मेरी सबके सामने इंसल्ट कर रहा है इसीलिए अब तुम सुनो. जो रिकॉर्डिंग चाहिए वो देख लो. जितनी आवाजें सुननी है वो सुन लो. लेकिन मेरी बात कान खुलकर सुन लेना. जल्द से जल्द अगर ये चोटी कटर मेरे आंखों के सामने जिंदा नहीं आया ना तो तुम्हारे सर के साथ तुम्हारी मूछें और तुम्हारी ये जंगल की तरह फैली हुई भौवें भी मुंडवा दूंगी. याद रखना मेरा नाम नीना नाड़करनी है. नीना जी आप कहाँ सर को बालों की रिबन दे रही हैं? वो तो बहुत जल्द गंजे होने वाले हैं. आपके पास अगर कोई कैप या विग विग हो तो वो गिफ्ट दे दीजिए वो बेटर रहेगा. डिपार्टमेंट के लोगों आपके कमिश्नर साहब ये रिबन अपने हाथों से तभी खोलेंगे जब इस चोटी कटर को वो जिंदा मेरे सामने खड़ा करेंगे. चलो मेरी और ये तुम रखो. नीना जी कुछ याद आए तो बताइए. क्रैक है. हम भी पहले डर गया था कहीं मेरे को राखी तो नहीं बांधा. अरे क्या 72 hours 48 hours है 24 घंटे के अंदर पकड़ लेगा हम क्यों आदि मानो
Yes. चलो अपने अपने काम करो, चलो 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 चलो। अजी चलो, क्या सोच रहे हैं? यही ना कि कोई फिल्म देखने चलते हैं, ये केस बहुत भारी हो रहा है। करेक्ट है, फिल्म देखने चलते हैं, चल। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये चमको हर जगह क्यों चमक रही है। हाँ, ये तो है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.